इस खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मान आपका एमकेडी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। आने जाने का रास्ता एक ही बड़ा है, कोई हादसा हो गया ना फायर इंजन आ सकता, कई बार तो एम्बुलेंस आने के लिए तकलीफ होती, तो उस बुनियाद पर कई बार हम इनको समझाए सो बोले। आज हो ही गया हादसा, हुआ तो हुआ, बच्चे के ऊपर एक्सीडेंट टाइप की शक्ल में अख्तियार करके हादसा हो, ये जो है इनको कई बार समझाने के बाद भी इनके कानों पे कोई चीज़ चल रही नहीं, इन लोगों को ठुड्डी घाट लगा समझाए नहीं समझ रहे। आज जो है पब्लिक आई, हटा दी पूरी गाड़ी, और आज पुलिस भी एक्शन में आके जो है अभी उनकी गाड़ियाँ वापस, जो यहाँ पर गाड़ियाँ रखेंगे वो तोड़म तारीफ करेंगे हम लोग पूरे बस्ती वाले। अगर आपके पास घर में रखने गाड़ी रखने जगह नहीं है तो आप मेहरबानी गाड़ी मत दीजिए। कचरा कुंडी पे थोड़ा इधर घुमाइए आप लोग, पूरा कचरा कुंडी पे यहीं ला के डाल दीजिए, कुछ ला के लोग वो कचरा अलग रोड पे आता है, दूसरा गाड़ी यहाँ पर आ कुंडी जो सुबह और शाम गोबर कुंडी के बाजू दवाखाना है जी। हाँ लोग कभी कम्प्लेन करे इसके लिए, बहुत बार करे कम्प्लेन हम लोग, स्कूल है, हॉस्पिटल है, घर है, छोटे बच्चे है, ये दवाखाना जो है कोई प्राइवेट नहीं है, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, ये कोई प्राइवेट दवाखाना नहीं है जो कंप्लेंट करेंगे, ये दवाखाना बस्ती दवाखाना है जो रिसेंटली गवर्नमेंट से खुलता वो लोग करना, बस्ती दवाखाना जो डाले ना वो लोग इंचार्ज जो उल्ना देखना बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था जीएचएमसी की ऑफिस के पास। एक कार वाला जो लड़का है वो रिवर्स लेने गया, बच्चे पीछे से आ गए और कार ऊपर चढ़ गई उनके। बच्चे की उम्र कितनी है साहब? 7 साल की उम्र है। 7 साल की जी हाँ। कि भाई वहाँ पे जो है इल्लीगल पार्किंग और जो है कचरा गार्बेज जो है आधी रोड से ज़्यादा गार्बेज है वहाँ पे, और उसके ऊपर जो है इल्लीगल पार्किंग, बामुश्किल एक कार भी पास वहाँ से बराबर हो नहीं सकती, वहाँ से टर्न कैसा करेगी कार, वो टर्न करने गया और बच्चा पीछे आ गया उसके ऊपर। ये लापरवाही जीएचएमसी की है और ये ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है, जो एरियो में आके जो इंस्पेक्शन करना और उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और जी कई बार कंप्लेंट कर चुके, कई बार जो है नाम कंप्लेंट दिए थे, एक बार नहीं कई बार, लेकिन फिर भी जो है ना उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट का हेल्थ सेंटर भी वहीं है और गार्बेज कचरे कुंडी भी वहीं है। अभी बाजू मस्जिद है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जी तो बारे में आप लोग कभी ऐसा नहीं बोले कुछ? हर महल्ले का, हर हमारे जो जितने भी बड़े महल्ले के हैं वहाँ पे कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। कई बार अभी बच्चे की हालत कैसी है साहब? अभी स्टेबल नहीं है बच्चा, अभी सीटी स्कैन रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन क्या है। ग्रेस हॉस्पिटल में शरीक करे, यहीं पे एडमिट किए हुए ग्रेस हॉस्पिटल में।